की है मिश्रित हरी खाद, क्यों बीजनी चाहिए है, इसकी इंपोर्टेंस की है, ये फायदे की है, यह जानकारी लैके थोड़े रूबरू होया। सत श्री अकाल जी, मैं गुरप्रीत दबड़ी खाना। तुसी हरी खाद तो बहुत बारी सुनिया होएगा, पर मिश्रित हरी खाद शायद पहली बारी सुन रहे हो। दोस्तों, मिश्रित हरी खाद तो साडा भाव है एक नहीं सगों अनेक प्रकार के बीज हरी खाद के तौर पर खेत च बीज के पालने, तो फिर 45 दिन की जदों फसल हो जाए तो उन्होंने जमीन के वापस मिला के जमीन में तगड़ा करने वाला सिस्टम मिश्रित हरी खाद। मिश्रित हरी खाद क्यों, की इंपोर्टेंस है दी? दोस्तों, आयुर्वेद दे विच कहा गया कि संतुलित भोजन दे विच 6 रस होंदे आ, मतलब जिहड़े भोजन च 6 रस होंदे आ उहनूं संतुलित अते संपूर्ण भोजन मन्निया जांदा। जदों साडे खेत दे विच इक नहीं अनेक प्रकार दे वख वख बीज असी हरी खाद दे तौर ते बीजे होणगे तां नैचुरली है, सुभाविक ही है कि इन्हां दे विच 6 रस आ जाणगे, ते जदों असी उहनूं वापस जमीन च मिलावांगे तां उह 6 रस जमीन नूं वापस मिल जाणगे। इहदे अलावा हरेक पौधा अपनी लोड़ दी खुराक जुटाउण लई हवा पानी मिट्टी अते रोशनी दा इस्तेमाल करदा, सूखम जीवाणुआं दी सहायता नाल। हरेक पौधे की खुराकी लोड़ वक्खो वक्री है, किसी को कौन सा तत्व ज़्यादा चाहिए, किसी को कौन सा तत्व चाहिए, तो जदों असी अनेक प्रकार के पौधे खड़े करांगे अपने खेत दे विच तां सारे आपो अपनी लोड़ दे वक्ख वक्ख तत्व जुटाउणगे, तो वह तत्व जुटाउण लई वह सूखम जीवाणुआं की सहायता लैणगे। हरेक पौधे नूं खुराकी तत्व देण वाले सूखम जीवाणु वक्खो वक्खरे आ, इहदे करके की होएगा, मिश्रित हरी खाद करके तुहाडी जमीन दे विच तत्तां दी घाट भी नहीं रहेगी, तो सूखम जीवाणु भी अनेक प्रकार के वापस आ जाएंगे जदों तुसी मिश्रित हरी खाद वाहोगे, तो 6 रस तां आउणे ही आउणे आ। सो जदों तुहाडी जमीन नूं संपूर्ण खुराक मिल गई, संतुलित खुराक मिल गई, तो उस जमीन के उत्ते अगली फसल झोने जां बासमती के रूप च जिहड़ी भी तुसी लाओगे उहनूं इस गल की गरंटी है कि तत्तां की घाट नहीं आऊगी, तो वह फसल जिहड़ी हैगी है कीड़ियां ते बीमारियां दे हमले तो मुक्त रहेगी, क्योंकि जमीन जानदार होगी है, तो जदों जमीन जानदार होएगी तो उत्थे फसल भी जानदार अते शानदार होएगी, तो जानदार फसल दे उत्ते कीड़ियां दा हमला नहीं हुंदा, बीमारियां दा हमला नहीं हुंदा, बशर्ते कि तुसीं फसल विरली लाओ, झोने जां बासमती दे बूटे फुट बाय फुट ते लाओ, ते पानी पहले 15-20 दिन खड़ा रखो, तो उस तो बाद सुका सुका के लाउंदे रहो, ते नाल ही झोने की जिहड़ी पौध है वह जां बासमती की पौध है वह 25 दिन की पौध आपके खेत च तुसी ला दिओ। इहदे नाल की होएगा कि तुहाडा झोना पहले ही दिन चल पेगा, बासमती होवे जां मोटा झोना होवे, तुहानूं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मिश्रित हरी खाद का तुहानूं वड्डा फायदा होएगा। हुण मिश्रित हरी खाद का फार्मूला की है वह नोट कर लो। मिश्रित हरी खाद लई तुहानूं चाहिए है प्रति एकड़ 6 किलो फलीदार बीज, जाने के दाणा वाले बीज, जिहदे विच मूंगी, मां, मोठ, जंतर जिहनूं झिंजन भी कह दिंदे आ, ढिंजन भी कह दिंदे आ, गुआरा, लोबिया जिहनूं चौले भी कह दिंदे आ, ये सारे रला मिला के 6 किलो लेने हैं। उस तो बाद प्रति एकड़ 3 किलो अनाजा के बीज, जिदे विच मक्की, बाजरा, जवार, कोदरा, कंगनी, रागी, ये सारे रला मिला के आपां लेने हैं 3 किलो। उस तो बाद 1 किलो लेने आपां तेल बीज, जिदे विच सरों, तिल, सोयाबीन, देसी कपाह का बीज, ये सारे रला मिला के 1 किलो, ते उस तो बाद आपां लेने हैं 1/2 किलो सब्जियां ते मसालियां दे बीज, जिदे विच तुसीं चिब्बड़, खखड़ियां जिहनूं फुट्टां भी कह दिंदे आ कई इलाकियां च, उहदे बीज लेने आ, मिर्चां दे बीज लेने आ, ते जिहड़े हैगे आ मेथे, मेथी, धनिया आदि दे बीज लेने आ, सारे रला मिला के 1/2 किलो, तां इह 10.5 किलो बीज
कुल वजन दे विच बन जाणगे। ये बीज तुसी जिहड़े हैगे आ एक थां तरपाल ते ढेरी करो, इन्हां नूं जिहड़ा हैगा ट्राइकोडर्मा ला के माड़ा जिहा इन्हां नूं शुद्ध कर लो। एक किलो बीज मगर 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा लगना, गुड़ वाले पानी का छट्टा ला के बीजा नूं ते ट्राइकोडर्मा धूड़ धूड़ के पुल्ला पुल्ला दोवां हत्थां नाल मल के बीज तैयार कर लो। उस तो बाद जिहड़े बीज आ तैयार बीज, इन्हां नूं तैयार जमीन दे विच बीज दिओ। बीजण उपरंत समय समय लोड़ अनुसार पानी दिंदे होए इन्हां नूं पालो, ते जिवें ही इह बीज उगण तों बाद पाल पोस के 45 दिनां दे कर लो, इन्हां नूं जमीन 'च वापस मिला दिओ। ते उस तों बाद पूरी तैयारी दे नाल झोने जां बासमती दी जिहड़ी अगली फसल हैगी है अपने समय ते इस जमीन दे विच ला दिओ, जिवें मैं दस्सी है। तुहानूं इहदा भरपूर फायदा होएगा, तुहाडी फसल दे विच तत्तां दी घाट उक्का ही नहीं आएगी, ते फसल कीड़ियां ते बीमारियां दे हमले तों मुक्त रहेगी। जेकर तुसीं फसल फुट बाई फुट ते लाओगे, पहले 15-20 दिन पानी खड़ा रखण तों बाद उस तों बाद पानी सुका सुका के लाउणा शुरू कर दोगे, ते झोने दी जां बासमती दी जिहड़ी पौध आ ਉਹ 25 दिन की उम्र की पौध खेत ट्रांसप्लांट कर दोगे। पहले दिन ही झोना चलू, 7 दिन मूधे मूँह पे रहने वाली गल उक्का ही नहीं होएगी। सो ये जानकारी तुहानू लगी होए चंगी, तां इहनू वध तों वध लाइक करो, वध तों वध शेयर करो, ते इस संबंध में अपने विचार कमेंटा के रूप साडे नाल सांझे जरूर करो। चैनल नू कर लिओ सबसक्राइब, बैल आइकॉन ते कर दिओ क्लिक, अपने फेसबुक पेज में भी लाइक शेयर फॉलो और रिकमेंड करना ना भुल्यो। अज लई इन्ना ही, तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, सत श्री अकाल।